गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम रीड करेंगे एक नया लेसन, मैडम राइड्स द बस, जिसकी राइटर हैं वल्लिकन्नन। दोस्तों, इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले मैं शॉर्ट में आपको अब बता देता हूँ कि व्हाट इज़ द समरी ऑफ दिस स्टोरी। दोस्तों, इस स्टोरी के अंदर वल्ली, जिसका पूरा नाम है वल्ली अमाई, एक छोटी सी लड़की है, 8 साल की बच्ची है। वह फर्स्ट टाइम बस की जर्नी करती है, वो भी अपने घर में बिना किसी को बताए चुपचाप बस की जर्नी करती है, क्योंकि वह जो बस उसके गांव से शहर की ओर जाती है उस बस को रोज़ाना देखती थी, और एक दिन वह मन में ठान लेती है कि वह भी उससे जर्नी करेगी, यात्रा करेगी। वह उसके टाइम को कैलकुलेट करती है कि किस समय बस मेरे गांव से निकलती है और किस समय वापस लौट करके वही बस दोबारा आती है। उसके फेयर के बारे में जो पैसेंजर्स उसमें ट्रेवल करते हैं उनसे इन्फॉर्मेशन लेती है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद में एक दिन वो उस बस की ट्रैवलिंग करती है, उस पर बस की जर्नी करती है। यह जर्नी उसके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित होती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम उसने पहली बार कभी बस की जर्नी की थी, और वह किसी दूसरी जगह पर अपने विलेज को छोड़ कर के विलेज से बाहर, गांव से बाहर गई थी। यहां वह एक नई दुनिया देखती है, और पहली बार उसको इस बात का भी एहसास होता है कि जीवन और मृत्यु का क्या रहस्य है। पहली बार वह एक गाय का जो बछड़ा था, जो कि सड़क पर भाग रहा था, जिसको जब वह बस से शहर की ओर जा रही थी तब उसने सड़क पर भागते हुए देखा था, लेकिन जब वह वापस उसी बस में लौट करके आ रही थी तो वही गाय का बछड़ा सड़क के बीच में मरा पड़ा था। तो इन चीज़ों को देख करके उसको पहली बार लाइफ और डेथ का एहसास होता है, और यह मालूम पड़ता है कि मृत्यु और जीवन के बीच में कितना क्षणिक अंतर है। आइए इस स्टोरी को रीड करते हैं और जानते हैं इस वल्ली की कहानी को, किस तरीके से इसने अपनी बस की जर्नी स्टार्ट की और उस बस जर्नी में उसने क्या क्या देखा और किस तरीके से इस बस जर्नी को उसने इन्जॉय किया। आइए देखते हैं फर्स्ट पार्ट। देयर वॉज ए गर्ल नेम्ड वल्ली अम्मई हु वॉज कॉल्ड वल्ली फॉर शॉर्ट। एक बार एक लड़की थी जिसका नाम था वल्ली अम्मई, जिसको शॉर्ट में वल्ली कह करके बुलाया जाता था। शी वॉज 8 years old एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। वो है 8 साल की थी और चीज़ों के बारे में जानने को बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहा करती थी, बहुत ज़्यादा उत्सुक रहा करती थी। अ फेवरेट पास्ट टाइम वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ डोर वे ऑफ अ हाउस। उसका सबसे बढ़िया जो पसंदीदा पास्ट टाइम था, उसका मनोरंजन का जो सबसे पसंदीदा साधन था, वह यह था कि वह अपने घर के सामने के दरवाजे पर खड़ी हो जाती थी और यह देखती रहती थी कि वॉचिंग व्हाट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, कि गली के बाहर की साइड में क्या घटनाएं घट रही हैं, क्या हो रहा है। यह उसका सबसे बढ़िया पास टाइम था। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट एंड दिस वॉज अबाउट ऑल सी हैड टू डू, क्योंकि उस उम्र का उसके साथ खेलने वाला कोई प्लेमेट्स नहीं था, कोई उसका साथी नहीं था उसकी गली के अंदर, और इसलिए यही वो सब कुछ था जो कि वह कर सकती थी। बट फॉर वल्ली स्टैंडिंग एट फ्रंट डोर वॉज एवरी बिट एज एंजॉयबल एज एनी ऑफ द इलेबोरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड। लेकिन वल्ली के लिए दरवाजे के सामने खड़े होने पर एक एक अंश बिल्कुल उतना ही मज़ेदार होता था जितना कि दूसरे बच्चों के लिए कोई स्पेशल गेम। जिस तरीके से बच्चे गेम को एंजॉय करते हैं उसी तरीके से वल्ले इस चीज़ को एंजॉय किया करती थी। वल्ले को इस तरीके से गेट के बाहर आकर के खड़े होकर के चीज़ों को देखना, उनको एंजॉय करना काफ़ी ज़्यादा पसंद था। एलेबोरेट मीन्स होता है केयरफुली प्रिपेयर्ड, यानी बहुत ही अच्छे तरीके से। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। गली को ध्यान से देखने पर उसे कई नए नए एक्सपीरियंसेस, कई नए नए
अनुभव होते थे, कई नए नए अनयूजुअल मीन्स असाधारण अनुभव होते थे। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। और इन सब में सबसे जो फैसिनेटिंग थिंग थी, जो सबसे ज़्यादा उसको अट्रैक्ट करने वाली थिंग थी, वह थी वह बस जो कि उसके गांव से बिल्कुल पास वाले टाउन को जाती थी, उसके गांव से पास वाले कस्बे को जाती थी। इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक। यह बस हर घंटे में एक बार टाउन को जाते हुए और एक बार वापस आते हुए उसकी गली से होकर के निकलती थी। कहाँ से निकलती थी? इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट, उसकी गली से होकर के निकलती थी। द साइट ऑफ द बस फिल्ड ईच टाइम विथ ए न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली। और हर बार उसमें जो ट्रेवलर्स होते थे, जो यात्री होते थे, उन यात्रियों से भरी हुई उस बस का जो नज़ारा था, उसकी जो साइड थी, उस बस का जो दृश्य था, उस बस का जो नज़ारा था, वह वल्ले के लिए एक प्रकार का अनएंडिंग जॉय साबित होता था, एक प्रकार का ऐसा आनंद साबित होता था जो कभी नष्ट नहीं हो सकता। यानी कि उसे इस बस को देखने में, उनके ट्रेवलर्स को देखने में, उनके पैसेंजर्स को देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था। और इस तरीके से बस का वह वेट करती थी कि किस टाइम यह बस यहाँ से निकलती है और किस टाइम वापस लौट करके आती है। तो ये उसका सबसे फेवरेट पास टाइम था और इसी तरीके से वह अपने लाइफ को एंजॉय कर रही थी। डे आफ्टर डे सी वॉच द बस एंड ग्रेजुअली ए टाइनी विस्क्रैप्ड इन टू हर हैट एंड ग्रू देयर। दिन प्रतिदिन वह बस को देखती रही और धीरे धीरे उसके मन में एक इच्छा प्रकट हुई, उसके मस्तिष्क में एक इच्छा प्रकट हुई और वह इच्छा धीरे धीरे लगातार बढ़ने लगी। ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे उसके मन में एक इच्छा प्रकट हुई, उसके मस्तिष्क में, उसके दिमाग में एक इच्छा प्रकट हुई, ए टाइनी विश, एक छोटी सी इच्छा, एक तुच्छ इच्छा प्रकट हुई और वह धीरे धीरे बढ़ने लगी। सी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस, वह उस बस के अंदर यात्रा करना चाहती थी, इवन इफ जस्ट वंस, सिर्फ एक बार, लेकिन बस वह उस बस में यात्रा करना चाहती थी। दिस विश बिकेम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर, और यह इच्छा उसकी और ज़्यादा स्ट्रांग होती चली गई, और ज़्यादा बढ़ती चली गई। अंटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर, जब तक कि वह उसकी प्रबल इच्छा नहीं बन गई, ओवरवेलमिंग डिज़ायर नहीं बन गई, उसकी स्ट्रांग विश नहीं बन गई। वल्ले वुड स्टीयर विशफुली एट द पीपल हु गोट ऑन और ऑफ द बस व्हेन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर। और जब वह बस गली के कॉर्नर पर रुकती थी तो वह उन पैसेंजर्स को लगातार देखती रहती थी, उनको लगातार स्टेयर करती रहती थी, लगातार घूरती रहती थी। विस्टफुली मीन्स लालायित होकर के, लॉन्गिंगली उन पैसेंजर्स को, उन पीपल्स को देखती रहती थी जो बस में चढ़ते थे और उतरते थे, ऑन और ऑफ होते थे, चढ़ते और उतरते थे, जब बस उसकी गली के कॉर्नर पे आकर के रुकती थी। देयर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग्स, और उनके चेहरे उनकी लॉन्गिंग्स से, उनकी इच्छाओं से, ड्रीम्स से एंड होप से, उनके सपनों से और उनकी आशाओं से किंडल होते थे, यानी प्रज्वलित होते थे। उनके जो चेहरे थे, उनकी आशाओं से, उनके सपनों से प्रज्वलित होते हुए दिखाई देते थे, यानी उनके चेहरे चमकदार होते थे, जैसे वो जिस काम से वो कस्बे में गए थे वो काम अपना पूर्ण करके लौट आए, जिस उम्मीद के साथ वो बस में बैठे थे वो उम्मीद उनकी पूरी हुई, इसलिए उनके जो फेसेस थे वो किंडल होते दिखते थे। इफ़ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपेंड टू राइड द बस एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट्स ऑफ द टाउन टू हर ईयर, वल्ले वुड बी टू जेलस टू लिसन एंड वुड शाउट इन इंग्लिश प्राउड प्राउड। और यदि उसका कोई फ्रेंड, किसी फ्रेंड में से कोई एक बाई चांस
बस में सवारी कर लेता, बस में राइड कर लेता, बस में सवारी कर लेता और कस्बे के जो भी सीन्स थे उसको डिस्क्राइब करता, तो वल्लई जो थी इस बात से बहुत ज़्यादा जेलस फील करती थी, बहुत ज़्यादा ईर्ष्यालु हो जाती थी और वह उनको सुनना भी नहीं चाहती थी और इंग्लिश में चिल्लाती थी, प्राउड प्राउड, घमंडी घमंडी। Neither she nor her friends really understood the meaning of the word. न तो वह न ही उसके जो फ्रेंड थे इस शब्द का मतलब जानते थे, but they used it often as a slang expression of disapproval. लेकिन वे लोग प्रायः अपनी, जब वे नाखुश होते थे, जब वे खुश नहीं होते थे, तो अपनी नाखुशी दर्शाने के लिए इस वर्ड का यूज़ करते थे। जब वे अच्छे मूड में नहीं होते थे तो इस वर्ड का यूज़ करते थे, स्लैंग एक्सप्रेशन मीन्स इस ख़राब से शब्द का यूज़ करते थे। उनके लिए ये वर्ड जो था काफ़ी ज़्यादा बेकार था, वे ये समझते थे कि यह वर्ड जो है एक स्लैंग एक्सप्रेशन है, यानी एक अपशब्द है और यह डिसअप्रूवल दर्शाने के लिए ही यूज़ में आता है, यानी अपनी नाखुशी साबित करने के लिए यूज़ में आता है। वेल मैनी डेज एंड मंथ्स वल्ली लिसेंड केयरफुली टू कन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपल हु रेगुलरली यूज द बस एंड सी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हियर एंड देयर। कई दिनों से, कई महीनों से वल्ली ने अपने पड़ोसियों को और उन लोगों के बीच की बातचीत को बड़े ही ध्यान से सुना था जो रेगुलरली उस बस का प्रयोग करते थे, यानी कि उस बस से आते जाते थे, और उसने भी अपने जो उसका विवेक था उस विवेक को यूज़ करके उसने कुछ क्वेश्चंस इधर उधर से पूछ लिए थे। डिस्क्रीट क्वेश्चंस मीन्स अपने केयरफुल क्वेश्चंस, सम ऐसे क्वेश्चंस जो कि उसके लिए मायने रखते थे, ऐसे क्वेश्चंस उसने इधर उधर से लोगों से पूछ करके कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली थी। और वो इन्फॉर्मेशन क्या थी? दिस वे सी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। इस तरीके से उसने बस की जर्नी के बारे में स्मॉल डिटेल कलेक्ट कर ली थी। द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज। वह यह जान चुकी थी कि जो टाउन है वो विलेज से 6 miles की दूरी पर है, दूरी पर था। द फेयर वॉज 30 paise वन वे। और जो किराया था बस का विलेज से गांव जाने का वो 30 paise एक साइड का था, विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो कि कुछ भी नहीं था उसके लिए, बहुत ज़्यादा नहीं था। सी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से बट टू वल्लई हु स्केसली सॉ दैट मच मनी फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट इट सीम्ड ए फॉर्च्यून। और ऐसा उसने एक जो फैशनेबल पर्सन थे उस वेल ड्रेस्ड मैन को इस बात को कहते हुए सुना था, लेकिन वल्ली के लिए जो इतने सारे पैसे एक महीने से दूसरे महीने तक मुश्किल से ही देख पाती थी, उसके लिए तो यह बहुत बड़ी अमाउंट थी, क्योंकि वल्ली के लिए ये पैसे देख पाना, 30 paise कलेक्ट कर पाना भी एक बहुत बड़ा अमाउंट था। वो स्केसली सा, यानी जो बड़ी मुश्किल से, वेरी हार्डली, बड़ी मुश्किल से इस अमाउंट को देख पाती थी, तो उसके लिए तो ये अमाउंट काफ़ी ज़्यादा मायने रखता था। लेकिन उसने यह कहते हुए एक वेल ड्रेस्ड पर्सन को सुना था कि यह अमाउंट तो कुछ भी नहीं है, यानी बहुत कम पैसे में यह बस जो है हमें गांव से शहर की ओर ले जाती है, लेकिन वल्लई के लिए 30 paise इकट्ठे कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम था। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 minutes। और उसने यह भी जान लिया था कि यह ट्रिप, यह जो जर्नी है वो टाउन तक पहुँचने में, यानी इस बस को टाउन तक पहुँचने में 45 minutes का समय लगता था। On reaching town, if she stayed in her seat and paid another 30 paise, she could return home on the same bus. और टाउन पर पहुँचने पर यदि वह अपनी ही सीट पर रहे और एक बार और 30 paise दे दे तो उसी बस से वह घर भी लौट सकती थी। यानी उसने ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली थी कि बस को विलेज से टाउन पहुँचने में कितना टाइम लगता है, बस का फेयर कितना था, किराया कितना था, बस का टाइमिंग क्या था, यह सारी इन्फॉर्मेशन वह कलेक्ट कर चुकी थी और कितना अमाउंट उसको उस जर्नी में खर्च करना पड़ेगा। दिस मीन दैट सी कुड टेक द 1 o'clock afternoon बस
reach the town at 1:45 and be back home by about 2:45। और उसने इस तरीके से ये कैलकुलेशन कर लिया था। इसका मतलब यह था कि अगर वह 1 o'clock आफ्टरनून की बस लेगी तो वह टाउन तक 1:45 o'clock तक पहुंच जाएगी, और अगर वापस उसे उसी बस में लौटना हो तो 2:45 तक वह वापस घर आ सकती थी। तो इस तरीके से वल्ली ने सारी कैलकुलेशन कर ली थी। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स एज सी कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड प्लान्ड एंड रीप्लान्ड। जैसे जैसे उसने कैलकुलेशन की, प्लान्ड किया, और उसकी जो इच्छा थी, उसके जो विचार थे, वो बढ़ते चले गए। वो बार बार रिकैलकुलेट करती, हिसाब पे हिसाब लगाती, योजना पे योजनाएं बनाती, और इस तरीके से वह आने वाली जर्नी के बारे में लगातार सोचती रहती थी। आइए स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। वेल, वन फाइन स्प्रिंग डे द आफ्टरनून बस वाज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लीविंग द विलेज एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे व्हेन ए स्मॉल वॉइस वाज हर्ड शाउटिंग स्टॉप द बस एंड अ टाइनी हैंड वाज रेस्ट कमांडिंगली। और एक दिन ऐसे ही, एक स्प्रिंग डे यानी एक बसंत के अच्छे वाले दिन में, जो कि फाइन डे था, आफ्टरनून के समय, दोपहर के समय, बस वॉज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लीविंग द विलेज, जबकि बस जो थी गांव से रवाना होने वाली थी और अपने हाईवे की ओर मुड़ने वाली थी, तभी एक छोटी सी पतली सी आवाज़ ने उस बस को रोक दिया, जो कि इस तरीके से आ रही थी, स्टॉप द बस। एंड टाइनी हैंड वॉज रेस्ट कमांडिंगली। और एक नन्ना सा जो हाथ था, वह कमांडिंग वे में, उसको इम्प्रेसिव वे में उस बस को रोकने के लिए उठा, रेस्ट हुआ, उठा। द बस स्लोड डाउन टू ए क्रॉल। और बस जो थी वो धीरे धीमी हो गई और रेंगने लगी, क्रॉलिंग करने लगी, रेंगने लगी। एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर सेड, हरी देन टेल हु यूवर इट इज टू कम क्विकली। और जो कंडक्टर था, बस का जो कंडक्टर था, उसने अपना सिर बाहर निकालते हुए कहा, फिर जल्दी करो, जो कोई भी हो उससे कहो कि जल्दी करे, फास्टली अंदर आ जाए। मतलब उसका कहने का यह था, इट्स मी, शाउटेड वल्ली। वल्ली चिल्लाई, यह मैं हूँ, आई एम द वन हु हैज टू गेट ऑन। मैं ही वह हूँ जिसे इसमें गेट ऑन होना, यानी इस बस में चढ़ना है। बाय नाउ द बस हैड कम टू ए स्टॉप एंड द कंडक्टर सेड, ओ रियली, यू डोंट से सो। और बाय नाउ द बस हैड कम टू ए स्टॉप, अब तक बस रुक चुकी थी। एंड द कंडक्टर सेड, और कंडक्टर ने कहा, ओह रियली, वास्तव में, यू डोंट से सो, तुमने ऐसा तो नहीं बताया था। यस, आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, हाँ मुझे केवल टाउन तक जाना है। सैड वल्ली, वल्ली ने कहा, स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, वह अब भी बस के बाहर ही खड़ी हुई थी। एंड हियर्स माई मनी, और यह रहे मेरे पैसे। शी शोड हिम सम कॉइन्स, उसने उस कंडक्टर को कुछ सिक्के दिखाए। ओके ओके, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, लेकिन पहले आपको बस में चढ़ना होगा। सैड द कंडक्टर एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर, और उसने मदद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। कंडक्टर ने अपना हाथ जो था स्ट्रेच्ड आउट किया, अपना हाथ आगे बढ़ाया, और वल्ले को बस में चढ़ाने के लिए। नेवर माइंड, सी सैड, वल्ले ने कहा, चिंता मत करो, आई कैन गेट ऑन बाई माई सेल्फ, मैं अपने आप चढ़ सकती हूँ। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, आपको मेरी मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। द कंडक्टर वॉज ए जोली सॉर्ट फॉन्ड ऑफ जॉकिंग, और कंडक्टर जो कि एक मजाकिया टाइप का व्यक्ति था, जोली सॉर्ट था यानी मजाक करने वाला व्यक्ति था, खुश रहने वाला व्यक्ति था। ओ प्लीज डोंट बी एंग्री विथ मी माई फाइन मैडम, ओ प्लीज़ मुझसे नाराज मत होइएगा, मुझ पर गुस्सा मत करिएगा, मेरे छोटी सी मैडम, माई फाइन मैडम, मेरे अच्छे मैडम। ही सेड, उसने कहा, हियर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट,
यहाँ सबसे आगे वाली सीट पर आप सॉरी बैठ जाइए। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज मेक वे फॉर मैडम। सभी प्लीज एक साइड में हो जाएं और मैडम के लिए रास्ता बनाएं। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ डे एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस। यह दिन की का एक स्लैक टाइम था, यानी कि जिस समय ट्रैफिक और पैसेंजर्स का ट्रैफिक बहुत कम रहता है, वह समय था, एक स्लैक टाइम था, ऐसा टाइम था जिस समय बहुत ज़्यादा काम काज नहीं होता है। तो उस समय बस में पैसेंजर्स भी बहुत कम थे, 6 or 7 पैसेंजर्स उस बस में थे। दे वर ऑल लुकिंग एट वल्ली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर। वे सभी वल्ली को देख रहे थे और कंडक्टर के साथ हंस रहे थे। वल्ली वॉज ओवरकम विथ साइनेस। वल्ली जो थी वो थोड़ी सी साइनेस यानी शर्मिंदगी सी अनुभव करने लगी, उसे हल्की सी शर्म आ गई। अवॉइडिंग एवरीवंस आई सी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन। और प्रत्येक व्यक्ति की नज़रों से बचते हुए वह खाली सीट पर गई और वहाँ बैठ गई। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम। क्या अब हम चलें मैडम, द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग। कंडक्टर ने मुस्कुराते हुए पूछा। देन ही ब्लू हिज व्हिसल ट्वाइस एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद अ रोल। और फिर उसने अपनी दो बार सीटी बजाई और बस जो थी आगे की ओर रोलिंग करते हुए, घुर घुर करते हुए आगे की ओर बढ़ गई। इट वॉज ए न्यू बस। इट्स आउटसाइड पेंटेड ए ग्लीमिंग वाइट विथ सम ग्रीन स्ट्रिप्स अलॉन्ग द साइड्स। यह एक बिल्कुल नई बस थी जिसका जो आउटसाइडर पार्ट था वह चमकते हुए वाइट कलर से पेंट किया हुआ था और उसके ऊपर हरे रंग की स्ट्रिप्स बनी हुई थी, धारियां बनी हुई थी, यानी वाइट कलर के ऊपर हरे रंग की धारियों से उसका उस पर पेंट किया हुआ था। इनसाइड द ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर। और अंदर ऊपर की ओर जो छड़ियाँ लगी हुई थी वो सिल्वर की तरीके से चमक रही थी, चांदी की तरीके से चमक रही थी। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वल्ली अबाउट द विंडशील्ड देयर वाज ए ब्यूटीफुल क्लॉक। और वल्ली के ठीक सामने विंडशील्ड के ऊपर एक सुंदर सी घड़ी लगी हुई थी। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जरियस। सीट जो थी वह नरम और आरामदायक थी। वल्ली डिवोर्ड एवरीथिंग विथ हर आइज। वल्ली ने हर चीज़ को अपनी आँखों से बड़े ही डिवोर्ड वे में देखा, बड़े ही चाव से देखा, डिवोर्ड वे में उसने उन चीज़ों को देखा, यानी चाव से उसने उन चीज़ों को देखा। बट व्हेन सी स्टीयर्ड सॉरी व्हेन सी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड सी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय ए कैनवास ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो। लेकिन जब उसने बाहर देखना शुरू किया तो उसने पाया कि जो सीन, जो खिड़कियों का तिरपाल का पर्दा उन सीन्स को रोक रहा था जिससे खिड़की का निचला हिस्सा कवर था। सो सी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पीड ओवर द ब्लाइंड। और इसलिए वह सीट के ऊपर खड़ी हो गई और उस पर्दे के ऊपर से झांकने लगी। ब्लाइंड मिस उस कर्टेन के ऊपर से, पर्दे के ऊपर से झांकने लगी। द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ ए कैनल। बस जो थी अब कैनल के किनारे किनारे चल रही थी। द रोड वॉज वेरी नैरो। सड़क बहुत सकरी थी। ऑन वन साइड देयर वॉज द कैनल एंड बियॉन्ड इट पाम ट्रीज, ग्रास लैंड, डिस्टेंट माउंटेन्स एंड द ब्लू ब्लू स्काई। एक तरफ नहर थी, उसके दूसरी साइड में पाम के ट्रीज थे, खजूर के पेड़ थे, घास का मैदान था, दूर बहुत सारे माउंटेंस थे और ब्लू कलर का दूर दूर तक आसमान दिखाई दे रहा था। ऑन द अदर साइड वॉज ए डीप डिच एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स, ग्रीन 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 एज फार एज द आई कुड सी। और दूसरी तरफ एक डीप डिच थी, एक बहुत गहरी खाई थी और फिर कई एकड़ तक फैले हुए ग्रीन ग्रीन फील्ड जहाँ तक नज़र जाती वहाँ तक दिखाई दे रहे थे। आई कुड सी मीन्स जहाँ तक हमारी नज़र जाती वहाँ तक उसे ग्रीन ग्रीन फील्ड ही दिखाई दे रहे थे। ओ इट वॉज ऑल सो वंडरफुल। अरे वाह सब कुछ कितना वंडरफुल है, अरे वाह सब कुछ कितना अद्भुत है। सडनली सी
वॉज स्टार्टल्ड बाई ए वॉइस, अचानक से वह एक आवाज़ से चौंक गई। लिसन चाइल्ड, सेड द वॉइस, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। और उस आवाज़ ने क्या कहा, सुनो बच्चे, उस आवाज़ ने कहा तुम्हें इस तरीके से खड़े होकर के नहीं देखना चाहिए, नीचे बैठ जाओ। सिटिंग डाउन सी लुक टू सी हु हैड स्पोकन, नीचे बैठते हुए यह देखने के लिए कि वह कौन बोला। इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर, बट सी वॉज अनॉयड बाई हिज अटेंशन। यह एक एल्डरली मैन थे, यह एक बड़े से व्यक्ति थे जो कि उसके प्रति बड़े ही ईमानदारी से ऑनेस्टली उसके बारे में कंसर्न रखते थे, उसके बारे में चिंता कर रहे थे। बट सी वॉज अनॉयड बाई हिज अटेंशन, लेकिन वह उसके ध्यान दिए जाने से वल्लई नाराज हो गई। देयर इज नोबडी हियर हु इज अ चाइल्ड, सी सेड हॉटली, आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स। और यहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं है, उसने बड़े ही हॉटली वे में कहा, यानी कि बड़े ही इगोइस्टिक वे में उसने कहा कि यहाँ कोई बच्चा नहीं है, देयर इज नोबडी हियर हु इज अ चाइल्ड, इस तरीके से वल्लई बोली। मैंने अपने 30 पैसे दिए हैं जैसे कि आप सभी लोगों ने दिए हैं। द कंडक्टर चिम्ड इन, जो कंडक्टर था वो इस बात पे एकदम से उसने वल्लई का चिम्ड इन किया, यानी समर्थन किया, वो भी वल्लई के सुर में सुर मिलाने लगा। ओ सर, बट दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम, अरे सर यह तो एक बहुत ही ग्रोन अप मैडम है, यह तो एक बहुत ही वयस्क मैडम है। डू यू थिंक ए मियर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन, क्या आप ऐसे किसी बच्चे को जानते हैं जो खुद का किराया दे सके, बिल्कुल अकेले कस्बे की यात्रा कर सकती है। ऐसी बच्ची मैंने भी पहली बार देखी है, यह एक ऐसी बच्ची है जो कि बिल्कुल अकेली है और खुद का किराया अपने आप दे रही है, नियत है, और कस्बे की जर्नी भी कर रही है बिल्कुल अकेली। वल्ली शॉट एन एंग्री ग्लैंस एट द कंडक्टर एंड सेड आई एम नॉट अ मैडम, वल्ली ने इस बात पे वल्ली को गुस्सा आ गया और वल्ली ने गुस्से भरी नज़र जो थी कंडक्टर पे डाली और बोली मैं एक मैडम नहीं हूँ। एंग्री ग्लांस मीन्स गुस्से भरी नज़र डाली। प्लीज़ रिमेंबर दैट एंड यू हैव नॉट येट गिवन माई टिकट, और इसी बात को याद रखिएगा और आपने अभी तक मुझे मेरा टिकट भी नहीं दिया है। आई विल रिमेंबर, मैं याद रखूँगा। द कंडक्टर सेड मिमिकिंग हर टोन, मिमिकिंग मीन्स कॉपी, उसकी टोन को कॉपी करते हुए उसी के लहजे में कंडक्टर वापस बोला। एवरी वन लाफ्ड एंड ग्रेजुअली वल्ली टू जॉइंट इन द लाफ्टर, सभी हंस पड़े और धीरे धीरे वल्ली भी उस हंसी में शामिल हो गई। द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट एंड हैंडेड इट टू हर, कंडक्टर ने टिकट को पंच किया और वह टिकट उसके हाथों में सौंप दिया। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, बस बैठ जाओ और अपने आप को कंफर्टेबल फील करो, आराम से बैठ जाइए। वाई शुड यू स्टैंड वैन यू हैव पेड फॉर अ सीट, जब आपने सीट के लिए पैसे दिए हैं तो आप खड़े क्यों रहते हैं, ऐसा कंडक्टर ने कहा। बिकॉज आई वॉन्ट टू, क्योंकि मैं ऐसा चाहती हूँ। सी आंसर्ड स्टैंडिंग अप अगेन, उसने उत्तर दिया और फिर से खड़ी हो गई। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट यूर सेल्फ वैन द बस मैक्स 7 टन और हिट्स ए बम्प, लेकिन अगर आप सीट पर खड़े होगे तो आप गिर सकते हो, आपको चोट लग सकती है। अगर बस जब कभी किसी 7 टर्न पे, किसी तीखे मोड़ पे या किसी उबड़ खाबड़ स्थान से निकलेगी, बम्प से निकलेगी, बम्पर के पास से निकलेगी, तो आपको चोट लग सकती है। दैट्स वाई वी वॉन्ट यू टू सिट डाउन चाइल्ड, यही वह कारण है कि हम लोग चाहते हैं कि आप बैठ जाइए बच्चे, आप बैठ जाइए। अब बच्चा फिर से उसे बोल दिया और वल्ली इस बात पे फिर से देखे चिढ़ जाती है। आई एम नॉट ए चाइल्ड, मैं बच्ची नहीं हूँ। आई एम नॉट ए चाइल्ड, मैं बच्ची नहीं हूँ। आई टेल यू, सी सेड
इरिटेबली, मैंने आपको पहले भी कहा था और इस बार वह थोड़ी सी इरिटेबल होकर के थोड़ी सी चिड़चिड़ेपन से वह वल्ली बोली, आई एम 8 years old, मैं 8 साल की हूँ। ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years माई, जरूर जरूर मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ, 8 साल की, ओह हो। द बस स्टॉप्ड, सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन, बस रुकी, कुछ नए सवारियाँ बस में चढ़ी, एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम, और कंडक्टर कुछ समय के लिए व्यस्त हो गया। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट, वल्ली फाइनली सेट डाउन, अपनी सीट को खोने के डर से वल्ली आखिरकार बैठ गई। एन एल्डरली वुमेन कैम एंड सेट बिसाइड हर, एक बुजुर्ग सी महिला जो थी वो उसके पास आकर के बैठ गई। आर यू ऑल अलोन डियर, क्या तुम बिल्कुल अकेली हो प्यार, प्यारी बच्ची, सी आस्क्ड वल्ली एज द बस स्टार्टेड अगेन, उसने वल्ली से पूछा जब बस वापस चलने शुरू हुई। वल्ली फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, सच बिग होल्स सी हैड इन हर ईयर लॉब्स, वल्ली को उस लेडी से पूरी तरीके से रिपल्सिव सी लग रही थी, उसको पसंद नहीं आ रही थी, वह घृणास्पद लग रही थी। सच बिग होल्स सी हैड इन हर ईयर लॉब्स, उसके कानों की बालियों में बड़े बड़े छेद थे, और एंड सच अगली ईयर रिंग्स इन दैम, और उसने उसमें बहुत ही गंदी सी कान की बालियाँ पहनी हुई थी। एंड सी कुड स्मेल द बीटल नट द वुमेन वॉज च्यूइंग, एंड सी द बीटल जूस दैट वॉज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट, और वह जो महिला थी वो सुपारी खा रही थी और उसकी बदबू को वह वल्ली जो थी दूर से ही सूंघ सकती थी, और सुपारी का जो जूस था बीटल को चबाने से जो जूस क्रिएट हो रहा था वह जूस जो था उसके होठों पर बिल्कुल बाहर की तरफ निकलने ही वाला था। तो इस तरीके की उसकी कंडीशन थी। ओ हु कुड बी सोशिएबल विथ सच ए पर्सन, ऐसे व्यक्ति के साथ कौन सोशिएबल हो सकता है, कौन मिंगल हो सकता है। यस आई एम ट्रैवलिंग अलोन, हाँ मैं बिल्कुल अकेली यात्रा कर रही हूँ, सी आंसर्ड कर्टली, उसने बहुत ही रूखेपन से उत्तर दिया, कर्टली मीन्स रूखेपन से उत्तर दिया, डिस्प्लेजर दिखाते हुए उत्तर दिया। एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू, और मेरे पास टिकट भी है। यस शी इज ऑन हर वे टू टाउन, हाँ वह कस्बे तक जा रही है। सैड द कंडक्टर विथ 30 पैसे टिकट, कंडक्टर ने कहा और उसने 30 पैसे का टिकट भी लिया है। ओ व्हाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, अरे आप अपने काम से काम क्यों नहीं रखते, सैड वल्ली, बट सी लाफ्ड ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू, लेकिन इसके बावजूद भी वह हंस पड़ी और कंडक्टर भी हंसने लगा। बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन विथ हर ट्रिवल, लेकिन जो वह बूढ़ी सी औरत थी वह अपनी जो ड्रिवेल थी यानी बकवास थी, फालतू की बातें थी वह किए जा रही थी। इज़ इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन, क्या यह ठीक है कि इतना छोटा बच्चा अकेले यात्रा करे। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, क्या तुम जानती हो कि तुम्हें वाकई में कस्बे में उस टाउन में कहाँ जाना है, व्हाट्स द स्ट्रीट, गली कौन सी है, व्हाट्स द हाउस नंबर, घर का नंबर कौन सा है। यू नीडंट बॉदर अबाउट मी, आपको मेरे बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बॉदर मीन्स मेरे बारे में परेशान होने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ, वल्ली सैड वल्ली ने कहा, टर्निंग हर फेस टुवार्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट, और उसने अपना जो चेहरा था उसको खिड़की की ओर घुमा करके बाहर की ओर वह स्टेयरिंग करने लगी, बाहर की ओर वह झांकने लगी, घूरने लगी, देखने लगी। इसका दोस्तों नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे, आप मेरे यूट्यूब चैनल को देखते रहें और इसी तरीके से अपना जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसके चैप्टर्स को रीड करते रहें। थैंक यू।